हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिम और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स और ह्यूमंस में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पहले तो ये बात करेंगे कि एनिमल्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, बेसिकली एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनमें एक्सक्रीशन होगा, हम एक बेसिक लेवल पे एनिमल्स की स्टडी करेंगे, किंगडम एनिमेलिया में जितने टाइप के एनिमल्स आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम अपनी किडनी के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो एक्सक्रीटरी यूनिट है दैट इज अवर किडनी, कितनी होती हैं किडनीज, कहाँ पे होती हैं किडनीज और एक्सक्रीशन में उनका क्या रोल है और किस तरीके से वो एक्सक्रीशन करती हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर किडनी खराब हो जाती है तो हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे उसको और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल किडनी लगाएंगे और वो आर्टिफिशियल किडनीज क्या वर्क करती हैं, हमें इनके बारे में भी जानकारी पूरी लेंगे यहाँ पे। तो चलिए हमारी वीडियोस को शुरू करते हैं। देखिए एनिमल्स में एक्सक्रीशन बेसिकली होता क्या है, एक्सक्रीशन में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है। मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं कि सभी केमिकल जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं उन सबको कंबाइंडली कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आता है, जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक में हम बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर दूसरे में छोटे मॉलिक्यूल्स को तोड़ के जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, लेकिन इसी बीच में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो एक्सक्रीशन क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना कहलाता है एक्सक्रीशन। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि तब एक्सक्रीशन बाकी ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते चले आए हमारी पूरी सीरीज में, जो लाइफ प्रोसेसेस की पूरी सीरीज मैंने बनाई है उसमें सब में हम लोग ये देखते चले आए कि हम लोगों को इसमें पढ़ना है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस का आखिरी पार्ट जो हमारा ये एक्सक्रीशन का बच रहा है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि साहब एनिमल्स जो हैं उनमें किस तरीके से ये हो रहा है, उसके बाद हम लोग ह्यूमन के ऊपर आ गए। तो एनिमल में हमारा एक छोटा सा एनिमल अमीबा, अमीबा को आप जानते हैं, पैरामीशियम को आप जानते हैं, अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने मेटाबॉलिक वेस्ट या एक्सेस वाटर को थ्रू डिफ्यूजन वाटर में ही रिलीज कर देते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू इसमें ये काम होता है। अमीबा में वाटर को रिलीज करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होती है, आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्लियर हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू अमीबा रिलीज कर देता है अपने एक्सेस वाटर को, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू वाटर का जो रेगुलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। पैरामीशियम में भी डिफ्यूजन के थ्रू ये काम हो जाता है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देंगे। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आती क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो यानी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, देखिए हमारी मेटाबॉलिज्म में अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेशन होता है। अगर रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, चूंकि है, उसमें हमारा जो वेस्ट निकल रहा है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को और जो वाटर है वो भी वेपर की फॉर्म में निकल रहा है, जब हम लोग सांस को निकालते हैं बाहर फूंकते हैं किसी चीज के ऊपर तो जो भाप जम जाती है वो क्या है, वो वाटर ही तो है, वो इसी रेस्पिरेटरी वेस्ट का ही तो मटेरियल है। तो रेस्पिरेटरी वेस्ट मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी रिमूव करते हैं, तो ये भी ये अपनी सरफेस से ही रिमूव कर रहे होंगे। इसके साथ ही साथ एक्सेस प्रोटीन्स, विटामिंस और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी रिमूव किया जाता है ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि ये जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ये वाटर हो सकता है, ये हमारी जो
हम लोगों ने जो ड्रग्स ली है वो ड्रग्स भी मेन जो उनका असर होता है उस केमिकल्स की वजह से होता है, तो वो केमिकल तो यूज हो जाते हैं लेकिन अनयूज पार्ट वो भी बाहर चला जाता है। हॉर्मोन्स जो हमारे अंदर हॉर्मोन्स हैं वो भी बाहर रिलीज हो जाते हैं जब अपना काम पूरा कर लेते हैं। विटामिंस जब आप कहते हैं कि विटामिंस आपने एक्सेस में ले लिए हैं, कुछ विटामिंस ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो तो हमारी बॉडी के अंदर सेव रहते हैं लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिंस हैं उनका क्या होता है वो रिमूव कर दिए जाते हैं, वाटर के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो एक्सेस विटामिंस को भी बाहर निकाला जाता है। तो ये सभी आपके क्या हो गए, ये आपके मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस हो गए। इसके साथ साथ प्रोटीन्स में क्रिएटिनिन और साथ ही साथ एक्सेस अमीनो एसिड्स को भी बाहर रिमूव किया जाता है। तो ये एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। दो ऑर्गेनिजम्स देखे जिसमें हम लोगों ने देखा कि रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है दो ऑर्गेनिजम्स में। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो देखिए मेरे पास कुछ चीजें यहाँ पे हैं जिनको आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीशन इन प्रॉन्स, यानी कि जो प्रॉन्स होते हैं जो क्रस्टेशियन एनिमल्स हैं। क्रस्टेशियन एनिमल्स बेसिकली क्रस्टेशियंस वो होते हैं जो आपके इंसेक्ट होते हैं बट वो उड़ते नहीं हैं, यानी कि लैंड और वाटर के ऊपर रहेंगे, तो वाटर में रहेंगे अगर तो भी वो एक्सक्रीट करेंगे तो किसके थ्रू कर रहे हैं, ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू कर रहे हैं या एंटीनल ग्लैंड्स के थ्रू कर रहे हैं। इसी के साथ में एक आता है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल क्या करती है, ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है आपका इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच में, आपका जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये की बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से फैली हुई होती हैं, और ये ब्रांचेस जो हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक्सेस सॉल्ट्स वगैरह को यहाँ पे ले लेंगी और वो सॉल्ट्स को आगे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में डाल के निकाल देंगी, बाहर एक्सक्रीट करा देंगी। क्लियर हो रहा है, तो इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलती है, तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं, ये किसमें मिल रही हैं आपको, इंसेक्ट्स में मिल रही हैं। इसी के साथ में बात करते हैं नेफ्रीडिया की। एक नेफ्रीडिया स्ट्रक्चर होता है, ये आपका अर्थवॉर्म में मिलता है, तो अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है, नेफ्रीडिया के थ्रू हो रहा है, और वहां से नाइट्रोजन वेस्ट मटीरियल को बाहर निकाला जा रहा है। इसी के साथ साथ बात करते हैं फ्लेम सेल्स की। तो फ्लेम सेल्स या प्रोटो नेफ्रीडिया, ये आपको जो फाइलम है प्लैटीहेलमिंथीज उसमें ज्यादातर मिलेंगे, फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज में मिलेंगे, और जिसका एग्जांपल प्लैनेरिया। तो प्लैनेरिया में किसके थ्रू हो रहा है, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू। अब आखिरी चीज हम लोगों में कैसे होता है, तो हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सब जो यूनिट है एक्सक्रीशन की, तो यूनिट किसके थ्रू हो रहा है हमारा एक्सक्रीशन, किडनी के थ्रू हो रहा है। कभी कभी किडनी खराब भी हो जाती है डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, उसको डायलिसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस, उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इतना देख लिया कि भाई हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से एक्सक्रीशन कर रही हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि किडनी किस तरीके से, हमारी किडनीज जो होती हैं वो मेंटेन रहती हैं, और किडनी को कौन कौन से तरीके से हम लोग, किडनी कितनी होती हैं, कहाँ होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए किडनीज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, किडनीज हमारी दो होती हैं, और जो दो किडनीज हैं वो दो किडनी कैसे होती हैं, ये दो किडनी हमारी जो हैं, ये किडनीज हमारी वर्टेब्रल कॉलम के लेफ्ट और राइट साइड में होती हैं। बात करते हैं कि राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, क्यों होती है थोड़ी सी नीचे, क्योंकि आपको पता है कि राइट साइड में हमारा लिवर होता है, और लिवर के एकोमोडेशन के लिए ये किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, तो राइट साइड की किडनी थोड़ी सी स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट साइड से। क्लियर है, ये राइट और लेफ्ट का किडनी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। जो हमारी एक्सक्रीटरी यूनिट है ह्यूमंस में, दो किडनीज हैं, किडनीज से निकलने वाली ट्यूब्स यूरेटर्स कहलाती हैं, और जो नीचे की तरफ एक पाउच दिख रहा है वो पाउच यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें सारी की सारी यूनिट कनेक्ट होगी और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी। एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज ये अंदर आएंगी, जबकि रीनल आर्टरी और रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंट्रेंस देती है यानी ब्लड को अंदर लाती है, और रीनल वेन ब्लड को बाहर ले जाती है। क्लियर हो रहा है, तो ये चीजें आपको जो दिख रही हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें आप लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएंगी। तो हमारे एक एक्सक्रीटर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आएंगी, वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, एक यूरेथ्रा और एक यूरिनरी ब्लैडर।
तो इतनी चीजें आएंगी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ब्लड को लेके आएंगी, उन्हें कहेंगे रीनल आर्टरी। किडनी के लिए वर्ड जो यूज होता है उसे कहते हैं रीनल। देखिए टेक्निकल टर्म्स आप थोड़े से याद रखिएगा, किडनी के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं रीनल। तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल कैप्सूल। अब एक किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ आपको बनाना भी सिखा देंगे कि कैसे ये किडनी बनती है। देखिए बीन शेप एक स्ट्रक्चर होता है किडनी का, और किडनी में जो रीनल आर्टरी आ रही है ये दिखा दी, और एक जो ब्लड को लेके जाएगी उसे कहेंगे रीनल वे। तो ब्लड वेसल्स आपको दिखा दिए हैं यहाँ पे दो, एक तो रीनल आर्टरी हो गई और एक रीनल वे। एक किडनी से एक यूरेटर निकलेगा। क्लियर? अंदर का जो पार्ट होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। इसकी कवरिंग बेसिकली पहले तो आपको बात करते हैं कवरिंग की। तो कवरिंग जो है किडनी की कवरिंग को कहते हैं रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। अब बात करते हैं इसके अंदर के। अंदर दो पार्ट होते हैं, आउटर मोस्ट रीजन जो होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और इनर मोस्ट रीजन जो होता है अंदर वाला वो कहलाता है मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन, देखिए किडनी पूरी कवर्ड है, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन बाहर की तरफ है, अगर वो अंदर की तरफ धस जाएगा तो जब हम इसका टीएस लेंगे यहां से काट देंगे इसे, तो अंदर की तरफ धसा हुआ कॉर्टेक्स रीजन कुछ इस तरीके से दिखता है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो किडनी है उसमें ये अंदर का रीजन ये मेडुला दिख रहा है आपको, और मेडुला के बाहर का जो पार्ट है वो है कॉर्टेक्स। क्लियर हो रहा है? अब यहां पे जरा देखते हैं। देखिए ये मेडुला के पार्ट हैं, लेकिन इसमें कॉर्टेक्स अंदर की तरफ धसा हुआ है, इस वजह से मेडुला पिरामिडल शेप हो गया है। इस पिरामिडल शेप को कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। इसे क्या कहते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड। ऊपर की तरफ मैं लिख रहा हूं। इस मेड्यूलरी पिरामिड, और ये क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर? मेड्यूलरी पिरामिड्स में जो हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन धसी रहती है। क्लियर हो रहा है? ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेसिकली नेफ्रॉन। हम एक नेफ्रॉन का भी डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में आपको ये लाइन के फॉर्म में मिल जाता है जब हम लोग इसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से नहीं देखते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक। अब ये जो नेफ्रॉन है इनके सबके कुछ पार्ट्स मिलके यहां पे, ये सारे पार्ट एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और कुछ इस तरीके से होते हैं कि दो दो तीन तीन यूनिट्स एक साथ होती हैं। देखिए ये तीन एक साथ मिले हुए हैं, ऐसे ही ये, यहां पे बहुत सारे मेडुलरी पिरामिड्स हो सकते हैं। तो ये सब मिलके इसे कहते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोल देते हैं। क्लियर हो रहा है? तो कैलिक्स रीजन हो गया, मेडुलर हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, नेफ्रॉन्स हो गए। क्या हो गए? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी की क्या है? फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट। क्लियर? तो किडनी की कवरिंग हो गई रीनल कैप्सूल, ये जो आने वाली आर्टरी है उसे कहते हैं रीनल आर्टरी, और जो ब्लड को लेके जा रही है वो क्या है? रीनल वेन। जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पूरा निकलेगा वो यहां पे आ जाएगा, कहलाता है यूरेटर। जितने भी कैलिक्स एक साथ मिलते हैं तो वो ये जगह जहां पे ये सारे कैलिक्स एक साथ मिल रहे हैं ये कहलाती है पेल्विस। क्लियर हो रहा है? तो एक किडनी का स्ट्रक्चर आपने पूरा देख लिया, कैसे किडनी बनती है ये भी आपको पता चल गया,
अब हम लोग इसके डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी होती है किडनीज, दो होती है। इसी के साथ में यहाँ पे हम दूसरी किडनी से अगर आने वाला यूरेटर यहाँ लाएगा तो यहाँ पे हम ब्लैडर की बात कर लेते हैं। ब्लैडर की ये ट्रायंगुलर शेप का ब्लैडर होता है, एक यूरेटर यहाँ से आ रहा होगा, एक इधर से, दूसरी वाली किडनी इधर होगी तो इधर वाले से आ रहा होगा, और यहाँ पे कितना यूरिन स्टोर हो जाता है, वो जो यूरिन स्टोर होता है वो लगभग 1.5 लीटर तक स्टोर हो सकता है, ठीक है, 1 to 1.5 लीटर तक मैक्सिमम स्टोर हो सकता है। इसके बाद ये से बाहर निकालेगा थ्रू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जो है ये मेल्स में ज्यादा बड़ा होता है और फीमेल्स में छोटा होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर होता है यूरेथ्रा मेल्स। क्यों होता है? क्योंकि ये पेनिस के अंदर डिसेंड हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं कि यहां पे कुछ स्फिंक्टर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर। तो जो स्फिंक्टर हैं ये दो लगे होते हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर, दो स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, एक वॉलेंट्री है और एक इनवॉलेंट्री है। यूरेथ्रा जैसे ही अराइज होता है, मेल्स की खास बात बता रहे हैं, मेल्स में, फीमेल्स में नहीं, मेल्स में, जहां से यूरेथ्रा अराइज होता है वहीं पे ही एक ग्लैंड भी मिलती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये याद रखिएगा, मेंशन ना करिएगा बट ये याद रखने के लिए हम आपको बता दें कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसका हम लोग यूज करेंगे, जिसको हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे, कहां पे, रिप्रोडक्शन में, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मेल्स में, ये किसमें मिलती है, ओनली इन मेल्स, ओनली इन मेल्स, फीमेल्स में नहीं होगी। किडनी का ये डायग्राम आपको देख गया, आपको किडनी के ऊपर एक इस तरीके से और ग्लैंड टाइप के स्ट्रक्चर मिलता है, इस ग्लैंड को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। मेंशन मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड जिनकी हम बात करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड की बात हम लोग करेंगे जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स की बात कर रहे होंगे, तो इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, ये आपके जो हार्मोन्स हैं वो इससे निकलेंगे, हम उनकी बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड में, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन में इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे ये हमने डायग्राम बनाया है। इसको हटा देते हैं, तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड यहाँ से हटा दिया और ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ से हटा दिया, बट आपको ये याद होना चाहिए ये स्फिंक्टर्स जो हैं ये बेसिकली इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर जो होते हैं ये आपका रेगुलेशन करते हैं किडनी का, एक किस तरीके से ये रेगुलेट होगी और यहाँ से एक्सेस वाटर जो निकलेगा, जो वाटर निकल रहा है तो ये एक्सेस वाटर यहाँ से कैसे निकलेगा, इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री है, यानी जैसे यहाँ पे यूरिया भर जाएगी तो ये खुल जाएंगे, लेकिन वॉलेंट्री इंटरनल वाले हैं, तो इंटरनल एक्सटर्नल वाले वॉलेंट्री हैं और इंटरनल इनवॉलेंट्री हैं, यानी अंदर तो अपने आप से काम होगा, इनवॉलेंट्री है, लेकिन बाहर वॉलेंट्री है, यानी इनके ऊपर हमारा जोर चलेगा, यानी अगर हमारा ये स्फिंक्टर खुल गया तो हम कुछ देर तक इसके ऊपर फोर्स लगा के हम यूरिन को रोक सकते हैं। बात करेंगे अब हम लोग नेफ्रॉन की, कि एक नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा दिखता है, हम लोग इसके बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज यहाँ पे जो रह जाती है वो ये है कि कॉर्टेक्स जो है, इस कॉर्टेक्स का जो पार्ट मेडुला रीजन के अंदर धसा हुआ सा है, उस धसे हुए पार्ट को क्या कहेंगे, तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टाइनी इसको कहते हैं। अब ये किडनी का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन की। देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन कैसा दिखता है इसके बारे में बात करेंगे और कहाँ पे होता है ये तो आपको बता ही दिया हमने कि किडनी में नेफ्रॉन जो होगा वो, जैसे ये किडनी है,
तो नेफ्रॉन कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे होगा। एक नेफ्रॉन को हम फोकस करेंगे, यहाँ पे एक नेफ्रॉन की बात करेंगे कि एक नेफ्रॉन असल में कैसा दिखता है। चलिए देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, बनाने की कोशिश करिएगा हमारे साथ में। फिर तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, नेफ्रॉन का डायग्राम आपको जिस तरीके से दिखेगा। जो ब्लड वेसल्स यहाँ से आ रही हैं एफरेंट, ये रीनल आर्टरी है, तो रीनल आर्टरी अंदर की तरफ ये आर्टीरियोल में डिवाइड होती है। ये कहलाती है एफरेंट आर्टीरियोल, और ये एफरेंट आर्टीरियोल थोड़ी सी चौड़ी होती है। अंदर की तरफ आर्टरी, देखिए हमने आपको बताया है आर्टरी आर्टीरियोल और कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज जो है विन्योल और वेन्स में बदल जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये तरीका हम आपको बता चुके हैं जब हम लोग लिम्फ की बात कर रहे थे, बिल्कुल वैसे यहाँ पे आर्टीरियोल में ये डिवाइड होगी, और ये आर्टीरियोल यहाँ पे कैपिलरी का एक नेटवर्क बनाएगी, और इस कैपिलरी नेटवर्क को हम कह देते हैं ग्लोमेरुलस। और ये बाहर की तरफ, देखिए ये चौड़ी है और ये थोड़ी पतली है, यानी इसकी ल्यूमेन वाइड है, वाइडर ल्यूमेन है, और इसकी नैरोअर ल्यूमेन है। तो ये जो आर्टीरियोल आ रही है इसे कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। क्लियर है? और ये जो यहां से निकल रही है ये है एफरेंट आर्टीरियोल। क्लियर हो रहा है? तो एफरेंट आर्टीरियोल और एफरेंट आर्टीरियोल आपको दिख रही है। इसके बाद अब हम लोग जो बात करेंगे वो यहां के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी का नेटवर्क है उसे क्या कह देते हैं? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इन दोनों को कंबाइंडली कह देते हैं मैपिजियन कॉर्पसल, मैपिजियन कॉर्पसल इसे बोल देते हैं। ये जो अब बोमेंस कैप्सूल है ये आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है इस ट्यूबुलर पार्ट में, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT। इसके बाद ये नीचे की तरफ प्रोसीड कर रहा है इस लूप लाइक पार्ट में, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले, तो हेनले लूप या हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। इसके बाद ये ऊपर की तरफ एक फिर से इतना ही वाइडर पार्ट में ये प्रोसीड कर रहा है, इसे कह देते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये डिस्टल DCT इस पोर्शन में आ रही है, और ये जो पोर्शन है इसे कह देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज आपको अगर क्लियर हो गई है तो अब आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेके आएगी, यहां पे ये और पतली हो जाएगी, जो ये कैपिलरीज का नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस
के बाद ये जो नेटवर्क है ये वापस से ऊपर की तरफ इफरेंट आर्टेरियोल बनाएगी। याद रखने का तरीका देखिए, ए पहले आता है और ई बाद में आता है एबीसीडी में। तो ए ई एफरेंट आर्टेरियोल लेके आ रही है ब्लड को, इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके जा रही है। ये इफरेंट आर्टेरियोल वापस से डिवाइड होगी, कुछ और नेटवर्क बनाएगी जिसे कहेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये देखिए यहाँ पे फिर डिवाइड हो रही, कुछ आगे की तरफ निकलेगी और कुछ पीछे की तरफ। यहाँ से डीसीटी को हटा रहे हैं, यहाँ पे ये जो आगे की तरफ निकल रही है ये, और ये घूम के पीछे से आगे आ रही है। देखिए और ये वापस से पूरे पोर्शन को कवर कर लेती हैं, पूरे पीसीटी के ऊपर होती हैं। पीसीटी को भी यहां से हटा दे रहे हैं, लिखा हुआ डायग्राम को सही से देखिए, ये भी आगे और पीछे की तरफ इसको कवर कर रहती हैं। देखिए आगे से आ रही है, एक इसके पीछे से आएगी। मैं ज्यादा यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, ज्यादा अगर होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, गंदा हो जाएगा डायग्राम। दो चार में ही आप समझ जाइए सही डायग्राम बना लूप ऑफ हैंड लिफ्ट। देखिए लूप ऑफ हैंड लिफ्ट से पैरेलल में आ रही है एक, ये इधर वाले सारे बन गया, कुछ टफ नहीं, बहुत इजी डायग्राम, बिल्कुल इजीली ये बन जाता है। तो ये जो नेटवर्क बना है इसके ऊपर नीचे आगे पीछे से पूरा इसको कवर किए हुए है, इस नेटवर्क को कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या क्या लगता है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क? ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क हो गया। तो देखिए ये पीसीटी है, हम इसी के अंदर ही लिखे दे रहे हैं पीसीटी। ये क्या है एलओएच लूप ऑफ हैंडल, एलओएच लूप ऑफ हैंडल, और ये डीसीटी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये सब मिलके जा रही है टुवर्ड्स रीनल वेव। ये क्या बनाएंगी रीनल वेव। अब बात करेंगे देखिए कैसे यहाँ पे ये अरेंज रहता है एक नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन यहाँ पे अरेंज रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है आपके यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा एक किस तरीके से ये अरेंज है नेफ्रॉन इस किडनी के अंदर। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ये नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी में एक्सक्रीशन को
प्रमोट करेगा और किस तरीके से यह एक्सक्रीशन को कराएगा इसकी बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से यह एक्सक्रीशन कराएगा। अब जरा यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट ये है, एक कलेक्टिंग डक्ट ये है, ठीक। तो कलेक्टिंग डक्ट के पास में दूसरा नेफ्रॉन भी होगा। हमने तो एक नेफ्रॉन दिखाया, इसमें तो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, कई मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो दूसरे नेफ्रॉन की ओपनिंग ये होगी, तीसरे की ये होगी। तो कलेक्टिंग डक्ट कई नेफ्रॉन्स की जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं उनको लेके आएगी। कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन्स की ओपनिंग खुलेंगी। क्लियर हो रहा है? अब किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन में क्या पार्ट प्ले करता है ये आपका नेफ्रॉन। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप होते हैं, वो तीन स्टेप क्या हैं उनको देख लेते हैं। पहला होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन ये लास्ट है। सबसे पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल्स से जो ब्लड आएगा, देखिए हमारा जितना भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। तो ये ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से ये आके इस ग्लोमेरुलस में आएगा। ग्लोमेरुलस बेसिकली है क्या? इट इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। कैपिलरीज बहुत हल्की होती हैं, आपको पता है, सिर्फ एक सेल की कवरिंग होती है इसके ऊपर। तो एक लेयर की जो कवरिंग है, एक सेल की लेयर बनी हुई है, उससे ये छन के फिल्टर होके नीचे आ जाएगा। क्यों छनेगा? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ल्यूमेन नैरो, ये ल्यूमेन वाइड है। तो इसकी वजह से यहाँ एक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन होगा। उस प्रेशर को कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, और उसकी वजह से ये ब्लड का मोस्ट ऑफ द कंटेंट यहाँ आ जाएगा। तो ब्लड में जो लार्ज प्रोटीन्स हैं या कुछ आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज हैं उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, और वो ज्यादातर चीजें जो यहाँ आएंगी उसे कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा इसीलिए लगाया गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लड फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे। तो कहाँ आ गया? वुमेन्स कैप्सूल में आ गया आपका सारा ब्लड, उसे कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपका क्या क्या हो सकता है? ग्लूकोज हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। वाटर तो होगा ही होगा, इसी के साथ में विटामिन्स भी हो सकते हैं, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। जितना भी मतलब ब्लड का मोस्ट ऑफ द कंटेंट यहाँ होगा, जिसमें डाइजेस्टिव फूड मटेरियल भी होगा और एक्सक्रीटरी मटेरियल भी होगा, दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की खास बात क्या है कि हमें यहाँ पे फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों चीजें ही यहाँ फिल्टर होगी, पीसीटी में आप आएंगे। इसके बाद आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की बात जब करेंगे तो यहां जब ये पीसीटी डीसीटी और एलओएच से होते हुए ब्लड पास होगा आगे की तरफ जाएगा, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कुछ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ द फायदेमंद जो सब्सटेंस है, जो ज्यादातर फायदेमंद सब्सटेंस है, उनको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फायदेमंद सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करना क्या कहलाएगा? री एब्जॉर्प्शन। यानी यहां से तो पहले निकला, फिल्ट्रेट हुआ और फिर ये दोबारा से एब्जॉर्ब होगा, से कह देंगे री एब्जॉर्प्शन। उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? जैसे ग्लूकोज हो गया, कुछ सॉल्ट्स हो गए, कुछ विटामिंस हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, ये सब चीजें हमारी वापस से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसके बाद आगे यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में, बेसिकली लूप ऑफ हेनले में कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं? तो लूप ऑफ हेनले में NaCl यानी Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में रहता है, ये याद रखिएगा, आयंस की फॉर्म में रहेगा, ये NaCl की फॉर्म में नहीं, Na प्लस और Cl माइनस। तो NaCl और वाटर, बेसिकली आयंस और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे, यानी मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में होगा। इसके बाद कुछ और सेलेक्टिव प्रेशर लगा के डीसीटी में एच प्लस आयन अमोनिया वगैरह को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बेसिकली अमोनिया तो होती नहीं है, एच प्लस आयन वगैरह को यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या हुआ? तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हमारी जो चीजें आएंगी जो कि रीअब्जॉर्ब होंगी, उसमें बेसिकली क्या क्या आ सकता है,
बहुत सारे डिसॉल्व सब्सटेंसेस होंगे। और जरा ये बात आप गौर करिएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो यहाँ पे हो रहा है, एक दिन में कितना अमाउंट फिल्टर हो जाता है ब्लड का, तो लगभग 180 लीटर ब्लड एक दिन में फिल्टर होता है। और आपको हमने बताया कि यूरिन एक दिन में लगभग कितनी बन रही है, 1 से 1.5 लीटर तक बनती है। तो 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन जो बन रही है या वह सेव हो रही है, स्टोर हो रही है, तो इसका 99% पार्ट जो है वो सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा है। 1 to 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 180 लीटर ब्लड का हो रहा है। अब तो नहीं समझिए 180 ब्लड है भी हमारे अंदर, नहीं है ना, लेकिन वो घूमता रहता, सर्कुलेट होता रहता, जितना यहाँ से गया उतना वापस आया, वापस से फिर से यहाँ आया, तो सर्कुलेट हो रहा है। वो टोटल अमाउंट निकाला है 1 डे यानी 24 आवर में। ये मत समझिएगा कि इतना तो ब्लड ही नहीं जो सर्कुलेट हो रहा है 180, ठीक है। आप जरा बात करते हैं कि आखिरी जो पार्ट आएगा वो आएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो तीसरा। ये तीनों स्टेप किसके हैं, ये यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप हैं। क्लियर हो रहा है? तो यूरिन फॉर्मेशन में तीसरा स्टेप जो है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का क्या रोल है? अच्छा, ये एब्जॉर्ब किसमें हो रहा है? सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन भी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में हो रहा है। अब यहां जरा समझिएगा कि ब्लड चूंकि यहां से आ तो रहा, आगे जा तो रहा ही है ना, अगर ब्लड आगे जा रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस यहां पे आगे चले गए होंगे। वो कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो यहां पे आ गए होंगे उनको ये ट्यूबल्स डायरेक्ट यहां कलेक्टिंग डक्ट के पास में, जैसे डीसीटी में लूप ऑफ हेनले और पीसीटी में डायरेक्टली एक्सक्रीट करती हैं। इसे कहते हैं सिक्रीट कर देंगी यहीं पे, उसे कहेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। यानी ये ट्यूबल्स जब इसमें सिक्रीट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक क्रिएटिनिन एंड सम अदर सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स एंड आर देन एडेड टू द यूरिन इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहाँ पे जो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है, आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी पूरा पढ़ा और यहाँ पे आपको देखा भी होगा। तो ये सब चीजें आपको ट्यूबुलर सिक्रीशन के तरीका समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा यूरिन का तो फॉर्मेशन हो गया। अब हमें ये तो पता चल गया कि साहब कलेक्टिंग डक्ट के पास में ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है और यहाँ पे ही यूरिन का पूरा फॉर्मेशन हो गया है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ आएगा सारा ब्लड लेके, जो फिल्ट्रेट है यानी कि जो यूरिन है उसको यहाँ लेके आएगा कैलिक्स में, और कैलिक्स से पेल्विस में, और पेल्विस से ये यूरेटर में होता हुआ आ जाएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर? कुछ और चीजें जैसे आर्टिफिशियल किडनी की बात कर लेते हैं यहीं पे, कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है और कैसे हमारा ये काम आर्टिफिशियल किडनी कर देती है अगर किडनी हमारी खराब हो जाए तो। किडनी की जो हेल्पफुल यूनिट बाहर से, हम अगर किडनी का ही काम लेना चाहें तो वो जो बाहर से काम हम करेंगे किडनी का ही, यानी जब किडनी हमारी ख़राब हो जाएगी, कैसे ख़राब हो सकती है हमारी किडनी, कुछ तरीके हम आपको बता देते हैं। लाइक हमारी इंजरी हो गई, चोट वोट लग गई तो उससे किडनी ख़राब हो गई, या कभी डायबिटीज़ हो जाती है तो एक्सेस में ग्लूकोज वगैरह वहाँ एक्युमुलेट होता रहता है जिसकी वजह से किडनी ख़राब हो जाती है। और तीसरा तरीका जो किडनी के फेल्योर का है वो है हाई ब्लड प्रेशर। तो इन कुछ कंडीशंस से किडनी की जब खराबी हो जाती है, लाइक इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, डायबिटीज़ हो गई या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो हमारी किडनी को आर्टिफिशियली एक और यूनिट असिस्ट करती है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। और ये आर्टिफिशियल किडनी आपको यहाँ पे दिख रही है। इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल किडनी में, जो ब्लड को प्योरीफाई करता है उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है इसको समझेंगे यहाँ पे। देखिए, जो हमारा
हीमोडायलिसिस है उसके लिए क्या होता है, एक पेशेंट को लिया जाता है जो कि किसी किडनी खराब है, उस पेशेंट की आर्टरी से, किसी भी एक आर्टरी से जहाँ से ब्लड ज़्यादा आ रहा होगा, उस आर्टरी से ट्यूब लगा के बाहर की तरफ ब्लड को निकाला जाता है। तो सबसे पहले आर्टरी से ब्लड को बाहर निकालेंगे और उस ब्लड को मेंटेन रखेंगे लिक्विड फॉर्म में ही। देखिए जैसे ब्लड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है वो कोगुलेट करने लगता है, तो इसलिए उसमें मिलाएंगे एक एंटी कोगुलेंट। क्या मिला देंगे? एंटी कोगुलेंट, ठीक है। हेपेरिन आपको बताया होगा एंटी कोगुलेंट होता है, तो ब्लड की बात तब बताया था, तो एक एंटी कोगुलेंट यहां मिला देंगे। ये एंटी कोगुलेंट ब्लड को जमने से रोकेगा। इसके बाद इसे हम आर्टिफिशियल किडनी में डालेंगे और आर्टिफिशियल किडनी में ट्यूब्स होती हैं और ये ट्यूब्स जो हैं इनकी कवरिंग बनी होती है सेलोफेन पेपर से। सेलोफेन पेपर तो नहीं है, सेलोफेन एक सब्सटेंस है जिससे कि ये कवरिंग बनी होती है, ठीक है। तो ट्यूब जो है किसकी बनी हुई है? सेलोफेन की। और सेलोफेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जिससे सेलेक्टेड मटेरियल्स एक्सक्रीट होते बाहर अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, और इसके आसपास जो एक फ्लूड भरा होगा वो फ्लूड का नेचर बिल्कुल प्योरिफाइड ब्लड के जैसा ही होगा, यानी इस फ्लूड की कंसंट्रेशन बिल्कुल उतनी ही होगी जितना कि एक प्योरिफाइड ब्लड की होती है। यानी जब ब्लड में कोई भी नाइट्रोजनस बेस मटीरियल या कोई एक्सक्रीटरी सब्सटेंस नहीं होगा तब जो ब्लड का अंदर का जो कंसंट्रेशन होगी वो इस फ्लूड की कंसंट्रेशन है। और इसके अंदर हमारा जो ब्लड है यहाँ से जो आया है वो इसके अंदर इन ट्यूब्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये ट्यूब में जब ब्लड चलेगा तो आपको पता है कि जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं वही यहाँ नहीं है, बाकी तो सारी कंसंट्रेशन सेम है अंदर की बाहर की। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस डिफ्यूज करके बाहर की तरफ चले जाएंगे, यानी नाइट्रोजनस बेस मटेरियल लाइक यूरिया वगैरह बाहर चला जाएगा, और तब ये जो ब्लड यहाँ से प्योरीफाइड ब्लड आएगा इसको वापस से हम वेन में, किसी वेन में पंप कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये हीमोडायलिसिस का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक पेशेंट को आर्टिफिशियली उसका ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं और इसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में सबसे पहले क्या होता है, उसकी आर्टरी से वो निकाला जाएगा ब्लड, उसके बाद उसमें एंटी कोगुलेंट मिलाया जाएगा, उसके बाद उसे सेलोफेन ट्यूब्स में डाला जाएगा और ट्यूब्स के आसपास जो फ्लूड होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो सेम एज प्योर ब्लड होगा, जिसकी वजह से इसमें जो नाइट्रोजनस बेस मटीरियल है वो एक्सक्रीट कर जाएंगे, बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाएंगे और जो प्योर ब्लड होगा उसको वेन के थ्रू वापस चढ़ा दिया जाएगा। देखिए वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि साहब इम्प्योर उसे कहेंगे, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसे वेन में चढ़ा दिया जाएगा और इस तरीके से हीमोडायलिसिस हो जाएगी। इसके साथ ही हम लोग कुछ और बातों की भी, और चीज़ों की भी बात कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में, जो हमारी बॉडी है ह्यूमन में, एक्सक्रीटरी यूनिट्स कुछ और भी हैं क्या, इसके अलावा भी कुछ चीज़ों का एक्सक्रीशन, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं हमारे लंग्स, तो हमारे लंग्स जो है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करेंगे। हमारी स्किन जो है उससे स्वेटिंग हो रही होती है, लगातार पसीना निकल रहा होता है जिसके थ्रू बहुत सारे सॉल्ट्स और वाटर को रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इसी के साथ ही साथ हमारे अंदर जो लिवर है वो लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, बहुत सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को ये यहाँ से रिमूव करेगा। डेड आरबीसीज में, जो आरबीसीज डेड हो जाती हैं, आपने ब्लड में पढ़ा होगा बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो डेड आरबीसीज से ही बन रहे हैं। बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो जो डेड आरबीसीज हैं उससे जो पिगमेंट निकल रहे हैं उन्हें हम बाइल पिगमेंट कह रहे हैं। तो हमारा लंग्स, हमारा लिवर और हमारी स्किन भी एक्सक्रीटरी यूनिट्स के ही पार्ट होते हैं। यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो आपको बताया अब आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर। क्लियर? थैंक यू।